हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग टिप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक अध्यापक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त तक एक नया अपडेट आ चुका है टेट पास पारा शिक्षकों के लिए, यानी कि टेट पास पारा शिक्षक जो है करेंगे अनशन। किस कारण की, यानी वेतनमान को लेकर जो है कि करेंगे अनशन। ठीक है, तो क्या है अपडेट पूरा वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर, ताकि इस तरह की जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा भी सबसे पहले। ठीक है, तो टेट पास पारा शिक्षकों के लिए क्या है अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए उस अपडेट पर आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि 31 से टेट सफल पारा शिक्षकों का अनशन 31 से, यानी कि 31 जुलाई से जो है कि सफल पारा शिक्षकों का जो है कि अनशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 31 जुलाई से विधानसभा के समक्ष अनशन करेंगे। ठीक है, यानी कि 31 जुलाई को जो है कि विधानसभा के समक्ष में अनशन करेंगे। शिक्षक वेतनमान देने सरकारी शिक्षक के पद पर सीधे समायोजन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वेतनमान और सीधे जो समायोजन को मांग कर रहे हैं। टेट सफल अध्यापक समन्वय समिति के प्रमोद कुमार ने कहा कि शिक्षक प्रमंडलवार अनशन करेंगे। ठीक है, यानी कि शिक्षक जो है कि प्रमंडलवार अनशन करेंगे, यानी कि किस कारण से अपनी मांगों को लेकर, यानी कि वेतनमान और सीधी जो है कि समायोजन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, यानी सीधी नियुक्ति को लेकर जो है कि अनशन करेंगे। कब करेंगे, यानी कि 31 जुलाई को जो है कि टेट पास पारा शिक्षक अपने मांगों को लेकर अनशन करेंगे। ठीक है, तही आप लोगों को इस वीडियो में अपडेट देना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया ताकि सभी को पता चल सके। अभी तक मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।